फ्रेंड्स, मैं हूँ रश्मि और सोल आर्ट में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कुछ इस तरह का एक टोट बैग बनाएंगे। ये बैग मुझे बहुत दिन से खुद के लिए बनाना था और तो मैंने सोचा मैं आपके साथ भी ये शेयर करूँ। ये बैग बनाने का मेरा जो मोटिव है वो इसलिए है कि इस बैग में देखिए यहाँ पे ऊपर से हमारा एक खास जिप का पैनल हमने बनाया है और इस वजह से इसकी जो कैपेसिटी है वो कम नहीं हो रही है। ज्यादातर जब हम इस तरीके से टोट बैग बनाते हैं तो जिप का हिस्सा इस तरह से एक साथ हो जाता है तो इसकी कैपेसिटी कम हो जाती है, इसलिए हमने इस तरह से एक जिप का अलग से पैनल तैयार किया है। और ये जो बैग है ये पूरा अंदर से नीट एंड क्लीन तैयार किया है। आप अगर कहीं से भी देखेंगे, यहाँ से भी ऊपर की तरफ से भी आपको कोई भी स्टिचिंग लाइन कहीं पे भी नहीं दिखाई देगी। और यहाँ पे हमने विंडो पॉकेट तैयार किया है और उसी तरह से अंदर की तरफ भी एक विंडो पॉकेट हमने तैयार किया है इस तरह से। तो चलिए देखते हैं इसके लिए आपको क्या क्या तैयारियां करनी पड़ेंगी और इसे मैंने कैसे बनाया है। आज का बैग बनाने के लिए हमें चाहिए 27.5 इंच बाय 16 इंच का एक फैब्रिक पीस, 27.5 इंच बाय 16 इंच का एक लाइनिंग का पीस, 8 इंच बाय 13 इंच के दो लाइनिंग के पीस, 16 इंच बाय 3/4 इंच के दो फैब्रिक के पीस जिसे अंदर से सिर्फ लाइनिंग जोड़ना है, और उतने ही मेजरमेंट के दो लाइनिंग के पीस और 23 इंचेस के दो बेल्ट, जिप चाहिए और रनर चाहिए। सबसे पहले देखिए ये जो मैंने 27 इंच बाय 16 इंच का पीस लिया है इसे मैंने क्विल्ट नहीं किया है, इसे मैंने अंदर से रबर शीट मशीन पे सील दिया है इस तरह से, और उसे एक ओर से 2.5 इंच पे मैंने एक जिप पॉकेट तैयार की है इस तरह से। और ये जिप पॉकेट कैसे तैयार करनी है मैं आपको लाइनिंग के पीस पे बना के दिखाऊंगी। तो सबसे पहले 27.5 इंच बाय 16 इंचेस का जो लाइनिंग का पीस हमने लिया है उसे एक ओर से हम जिप पॉकेट तैयार करेंगे। उसके लिए मैं यहां से एक ओर से उसका सेंटर पे मार्किंग कर देती हूं। सेंटर पे मार्किंग करने के बाद हमें यहां से 3 इंच डाउन मार्किंग करना है और 3 इंच नीचे की तरफ मार्किंग करने के बाद ये जो हमने 8 इंचेस बाय 13 इंचेस का लाइनिंग पीस लिया है उसे मैंने यहाँ पे 6 इंच की एक विंडो तैयार कर ली है। देखिए ये 6 इंच का डिस्टेंस है और हर एक लाइन में 1/2 इंच का डिस्टेंस है, तो इस तरह से मैंने ये विंडो तैयार कर ली है। और अब ये जो हमने 3 इंचेस का मार्किंग किया है और सेंटर का मार्किंग है वहां पे हमें इसका मिडिल और उसका वो मार्किंग मैच करके यहाँ पे जिप पॉकेट जोड़ना है।
इस तरह से ये विंडो पॉकेट हमने तैयार कर लिया है। और इस तरह से विंडो पॉकेट तैयार करने के बाद ये जो हमारा बाहर का हिस्सा है उसे हम बीच में से बेल्ट अटैच करेंगे। उसके लिए यहाँ पे हमें सेंटर का मार्किंग करना है। और दोनों ओर से 3-3 इंच पे मार्किंग करके बेल्ट जोड़ देने हैं। इस तरह से दोनों ओर बेल्ट जोड़ने के बाद हम जिप का हिस्सा तैयार करेंगे। जिप हमें 12 इंच की ही लेनी है और जिप लगाने के लिए हम सेंटर पे मार्किंग करके उसे जोड़ देंगे। इस तरह से जिप पे भी हमने दोनों ओर से सेंटर पे मार्किंग कर ली है इस तरह से, और इसमें मैंने 2 रनर डाले हैं। तो अभी सेंटर पे इसको रखना है और ये सेंटर का मार्किंग यहाँ पे हमें मैच करना है एक दूसरे से, और यहाँ पे सिलाई करनी है। तो जिप बीच में आएगी, देखिए इस तरह से जिप हमें बीचों बीच जोड़नी है, और जिस तरह इस ओर हमने जोड़ी है उसी तरह दूसरी ओर भी जिप जोड़ लेनी है। इस तरह से जिप जोड़ने के बाद ये जो हमारा बाहर का हिस्सा है उसे हम यहां से साइड से हमें दोनों ओर से इसे सिल देना है, जो हमारा मेन बाहरी हिस्सा है उसे। आधे इंच की सिलाई लेके हमें सिलना है। और अब मिडिल से हम ऊपर की तरफ 2.5 इंच और इस ओर से 3 इंच पे मार्किंग करेंगे। तो यहां से 2.5 इंच मार्किंग करके फिर हमें ये कॉर्नर्स काट लेने हैं। तो यहां से 2.5 इंच और यहां से 3 इंच, यहां से 2.5 इंच और यहां से 3 इंच, यहां से 2.5 इंच और यहां से 3 इंच, ये कॉर्नर्स हमें काट लेने हैं और जोड़ लेने हैं एक दूसरे पे। और अब यहाँ पे फैला के हमें उसे 1/2 इंच की सिलाई करके जोड़ना है। इस तरह से जो हमारी मेन बैग है उसके दोनों बॉटम्स हमने सिल दिए हैं। और इसी तरह से हमें ये जो लाइनिंग का पीस हमने लिया है इसी तरह से हमें जोड़ देना है। और इस तरह से लाइनिंग का बैग भी हमारा तैयार है। और अब क्या करना है, इस तरह से जिप जोड़ने के बाद अब हम इस तरह से ये दोनों हिस्से फैला लेंगे।
मतलब जहां पे हमारा लाइनिंग का पीस है उस ओर हम लाइनिंग करेंगे और फैब्रिक का पीस एक ओर, और यहाँ पे हमें सिल देना है उसे आधे इंच की सिलाई लेके। तो ये इस तरह से हमारा यहाँ पे सिलेगा, ये थोड़ी हमें सिलाई फैला देनी है और यहाँ से आधे इंच की हमारी सिलाई आएगी। देखिए फैब्रिक की ओर फैब्रिक लिया है और लाइनिंग की ओर लाइनिंग लेके हम यहाँ पे आधे इंच की सिलाई ले रहे हैं। और इस ओर भी उसी तरह से हमें सिलाई करनी है। और अब ये दोनों सिलाइयां हमें यहाँ पे फैला देनी है इस तरह से। देखिए ये मैंने सिलाई फैला दी जिप के ऊपर, और मैं पहले ये फैब्रिक का हिस्सा है वहां पे पहले इस तरह से, और उसी तरह से ये जो हमारा लाइनिंग का पीस है उसे भी हमें इसी तरह से फैला लेना है इस तरह से। और जैसे इस तरह किया है उसी तरह से इस ओर भी हमें ये जो कॉर्नर्स है वो फैला देने हैं दोनों ओर। तो इस तरह से दोनों कॉर्नर्स हमने फैला लिए हैं, और अब यहां से ऊपर से हमें देखिए यहाँ कॉर्नर से यहां तक हमें 3 इंच सिलाई लेनी है। तो देखिए ये जहां तक 3 इंच हो रहा है वहां तक हमें सिलाई लेनी है। तो देखिए मिडल से मतलब हमें 1.5 इंच नीचे सिलाई करनी है। इस तरह से दोनों ओर सिलाई करने के बाद ये जो हमारा एक्स्ट्रा का हिस्सा है उसे हम काट लेंगे। ये हमारा इस तरह से हिस्सा तैयार हो जाएगा जो हमारा जिप वाला है। और अब क्या करना है, इस जिप के हिस्से को हमें सीधा रखना है और यहाँ पे पूरा सेट करना है इस तरह से। देखिए मैंने ये पिंस लगा दिए हैं और जिप का हिस्सा हमारा ये जो बाहर का बैग है उसे अच्छे से सेट कर दिया है। अब हम ऊपर से यहाँ पे स्टिच करके दोनों हिस्सों को आपस में जोड़ देंगे। तो इस तरह से पूरा हमने यहाँ पे उसे सील दिया है, और अब हम इसे खोल देंगे और ये जो हमारा लाइनिंग का पीस है उसे हमें सीधा करना है इस तरह से, और इसके अंदर डाल के हमें सेट करना है। अब यहाँ पे देखिए इस ओर, देखिए इस ओर हमारी विंडो पॉकेट है, तो ये विंडो पॉकेट हमारी ऊपर की साइड में आएगी, और इस तरह से अंदर रख के जैसे हमने ये सिया है उसी तरह से इसे भी यहाँ पे सिल देना है, और यहां से पूरा सिल देंगे। तो अब यहां से हम उसे मैं यहाँ पे गैप छोड़ना भूल गई, तो हम यहां से थोड़ा सिलाई ओपन करेंगे और इस गैप में से उसे हम सीधा करेंगे। सिर्फ यहाँ पे डबल लॉक करना ना भूलिए, नहीं तो वो पूरा फट जाएगा।
और अब यहां से हम उसे सीधा करेंगे धीरे धीरे, और इस तरह से सीधा करने के बाद ऊपर से हम उसे दाब सिलाई करेंगे। और उससे पहले ये जो हमने ओपनिंग यहाँ पे बनाया है उसे हम पहले सील देंगे, और उसके बाद ऊपर से दाब सिलाई करके हमारा बैग पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये बैग बनके तैयार है। देखिए इस बैग की खासियत ये है कि यहाँ पे भी हमारा पूरा जैसे हमारा बेस बनता है उसी तरह से जिप का हिस्सा यहाँ पे हमारा बना है, क्योंकि हम जब हमेशा इस तरह के बैग्स बनाते हैं तो जिप का हिस्सा पूरा इस तरह से एक साथ हो जाता है तो इसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। तो इस तरह से जिप का हिस्सा लगाने की वजह से यहाँ इसकी कैपेसिटी बहुत बढ़ रही है। तो इस तरह से हमारे ये खूबसूरत बैग बनके तैयार है। तो आज का वीडियो आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करना ना भूलिए, और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू।